everyone, welcome or welcome back to my channel Fab Styles, and I'm back again with another video. So today's video is again a haul video and this is again from amazon.in. so aaj ka jo video hai wo ek sari haul hai. so maine kuch products mangaye hain amazon.in se jo ki sari hain, and there are two or three blouses as well. so chaliye without wasting any time, let's go. so very first product jo hai wo ye hai, ब्लाउज़ जो मैंने ऑलरेडी वेयर कर रखा है. आप साइड में इसका ट्रायल में देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके का लग रहा है. दिस इज़ एक्चुअली इकत प्रिंट एंड दिस इज़ मैरूनिश एंड मैरून, एंड इसका जो बेस है वो मरून है. एंड इस पे छोटी छोटी बूटीज लगी हुई हैं एज यू कैन सी, बेज एंड ब्लैक कलर से. एंड मैंने इसको स्टाइल किया है ब्लैक साड़ी के साथ. दिस इज़ द प्लेन ब्लैक साड़ी. सो ये काफ़ी अच्छा है. इसका फ्रंट में बैक आप देख सकते हैं, नेक इस तरीके का है. एंड बैक में भी थ्री बटन्स नीचे एंड वन बटन ऊपर दिया गया है, तो ये इसे बहुत अच्छी फिटिंग देता है. ऑल्सो ये 3/4 नहीं, ये यू नो हाफ स्लीव्स है. इसके स्लीव्स यहाँ तक हैं, तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्ट लुक देता है. सो डेफिनेटली अगर आप कुछ भी इकत प्रिंट में यू नो यू आर यू नो ट्राइंग टू परचेज, तो दिस इज़ द वन ब्लाउज जो कि आप बिना डाउट के बिल्कुल परचेज कर सकते हैं. दिस इज़ रियली लुकिंग रियली गुड. एंड ये जो सॉलिड साड़ीज़ होती हैं ब्लैक वाइट बेज, उनके साथ ही काफ़ी अच्छे से जाएगा एंड बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एज यू कैन सी. सो दिस वॉज द फर्स्ट वेरी फर्स्ट थिंग. एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे. एंड जो बाइंग लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. एंड ये जितने भी साड़ीज़ हैं ये मैं इनके पिक्चर्स डालूंगी अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, तो अगर आपने मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया, डू फॉलो मी देयर एज वेल. ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जस्ट गो देयर एंड फॉलो मी देयर एज वेल. सो या, so this was the very first. the next product is this which I'm already wearing, the black saree. this is solid black saree, plain black saree. and ये काफ़ी अच्छे से you know style कर सकते हैं. आप किसी भी color में हो, plain sarees को आप बहुत अच्छे से and बहुत सारे तरीक़ों से style कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर एकत ब्लाउज के साथ style करी है. आप इसको और किसी एम्ब्रॉयड्री ब्लाउज़ के साथ या you know plain designer blouse के साथ भी आप इसको style कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा कूल लगती हैं. एंड इस तरीके की जो साड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा अभी इन हैं. एंड ये है शिफॉन में, ये शिफॉन फैब्रिक है इसका. एंड दिस इज़ रियली गुड. ये स्पेशली समर्स के लिए इस तरीके की साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, तो आप इजीली इनको कैरी कर सकते हैं समर्स में भी. सो इसका प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड ट्राई ऑन भी देखने. एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज़ अ ब्लाउज, एंड दिस इज़ द ब्लाउज जो कि मैंने वाइट कलर में मंगाया, बिकॉज मेरे पास वाइट कलर में कोई भी ब्लाउज नहीं था एंड आई वॉज यू नो लुकिंग समथिंग इन द वाइट. तो ये आप देख सकते हैं, ये मैश नेट डिटेलिंग है यहाँ पे इसके पूरे ऊपर पे. यहाँ पे पफ दिए गए हैं एंड पैडिंग पैडेड है ये ब्लाउज़ काफ़ी अच्छे से. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी मैश डिटेलिंग है. मैं इसको वेयर करके भी बता दूंगी, जो कि इसे बहुत अच्छा लुक दे रही है. ओवरऑल एक डिज़ाइनर लुक दे रही है आप देख सकते हैं. एंड यहाँ पे नीचे इसके इलास्टिक है, तो ये काफ़ी अच्छी फिटिंग दे देगी आपको. एंड ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आ रहा है, ये मैंने इसको वेयर करके देखा था, तो बहुत अच्छा यू नो फिटिंग दे रहा है ये ब्लाउज़. तो अगर आप यू नो इफ़ यू आर नॉट हैविंग, ये थोड़ा सा ऊपर का जो ये मैश है, ये नेट है, ये थोड़ा सा ट्रांजी लुक देता है, तो इफ़ यू आर ओके विद इट, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन. ये इस प्राइस पे इतना अच्छा ब्लाउज मिलना इज़ रियली रियली गुड. एंड ये जो फैब्रिक है ये कॉटन है, तो बिल्कुल भी आपको यू नो समर्स में बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज समर्स में ना हम कॉटन पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो डेफिनेटली आप इसको पहन सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं अपने किसी भी प्रिंटेड साड़ीज़ के साथ या फिर प्रिंटेड प्लाजो उसके साथ, प्लेन प्लाजो के साथ आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं. प्रोडक्ट इज़ अगेन अ साड़ी एंड दिस इज़ द साड़ी. आप देख सकते हैं ये प्योर, ये भी नेट की साड़ी है. नेट के ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है इन द पीच कलर, और या फिर आप इसको बेबी ब्लू कलर भी बोल सकते हैं. बहुत ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा है पहनने के बाद, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड अगर आप इसको सेम कलर के ब्लाउज के साथ यू नो पेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा. जो आप पीच में जो थोड़ा सा डार्क पीच है या मैजेंटा कलर के ब्लाउज के साथ आप इसको पेयर करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा. सो ये इस तरीके की है साड़ी. इज़ अगेन इन द नेट फैब्रिक एंड ये देख सकते हैं आप, ये पूरी साड़ी के चारों बॉर्डर्स पे इस तरीके का कटवर्क दिया गया है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा क्लासी लुक देता है. एंड इस तरीके से ये दिखती है, पूरा ही एम्ब्रॉयड्री की हुई है इस साड़ी पे, जो कि इसे बहुत अच्छा यू नो वेयरेबल बनाती है, बहुत ज़्यादा
वेरेबल बनाती है इसको. ऑल्सो इसका कलर जो है वो बिल्कुल एकदम समर अप्रोप्रिएट है, तो आपको बिल्कुल भी यू नो गर्मी नहीं लगेगी. एंड बहुत अच्छा कलर है, तो आप इजली इस तरीके के जो कलर्स होते हैं लाइट कलर्स उनको आप इजली वेयर कर सकते हैं, समर में स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट यू नो ब्लाउजेस के साथ एंड डिफरेंट ज्वेलरीज के साथ. तो या दिस इज़ द वन. एंड ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इस प्राइस पे आपको इतनी अच्छी यू नो नेट में साड़ी मिल रही है, दिस इज़ रियली कमेंडेबल. एंड अगर इसके फैब्रिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका, बिल्कुल भी जो चीप क्वालिटी की नेट होती है वो नहीं है, काफ़ी अच्छा नेट है इसका फैब्रिक जो है. तो अगर आप पीच पहनना पसंद करते हैं, पीच कलर या लाइट कलर्स, तो ये डेफिनेटली आप ये वाली साड़ी खरीद सकते हैं, दिस इज़ अ मस्ट बाय. सो द नेक्स्ट एंड द फोर्थ प्रोडक्ट इज़ अगेन अ साड़ी, एंड ये प्योर वाइट साड़ी है. वाइट साड़ी के ऊपर ये इस तरीके की जो प्रिंट है वो दिया गया है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा खरखर कर रही है. आप देख सकते हैं इस तरीके की साड़ी मैंने ऑर्डर की है, ये पूरा ऊपर से वाइट है एंड नीचे बॉर्डर में इस तरीके की इसकी प्रिंट दिया गया है, फ्लावर प्रिंट है ये पूरा. एंड ये जो फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, तो ये थोड़ा सा फूलेगा बट ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड स्पेशली मैंने ये जो गंगूबाई लुक है वो करने के लिए इसको ऑर्डर किया था, सो मैं वो भी अभी प्लान कर रही हूँ. आई नो आई एम लिटिल बिट लेट बट नेवर माइंड, मैं मुझे काफ़ी मन था कि मैं यू नो वो लुक क्रिएट करूँ, सो दैट्स वाई मैंने इसको ये वाली साड़ी मैंने ऑर्डर की है. दिस विल गो परफेक्ट विद द लुक, बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है. और अगर आप वाइट पहनते हैं या वाइट पहनना पसंद करते हैं एंड इफ़ यू आर अ वाइट लवर देन यू शुड डेफिनेटली बाय दिस साड़ी. ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको इसको पहनने के बाद यू नो पता भी नहीं चलेगा कि आपने साड़ी भी वेयर कर रखी है, बिकॉज ये ऑर्गेन्जा है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. एंड मैं आप साइड में ट्राई ऑन देख सकते हैं. एंड इसके साथ में ब्लाउज़ आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा व्हाट टू से, मुझे इसका फैब्रिक अच्छा नहीं लगा बिकॉज ये थोड़ा सा चीप फैब्रिक है. एंड ये इसमें लिखा तो चंदेरी सिल्क है बट आई डोंट फाइंड दिस चंदेरी सिल्क, कुछ यू नो कॉटन टाइप का जो चीप जो सस्ते कॉटन होते हैं उसमें का इसका फैब्रिक है. तो यू नो अगर आप ये बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको पिंक ब्लाउज़ के साथ भी पिंक प्लेन ब्लाउज़ के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है ट्रस्ट मी उसके साथ भी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा, एक कॉन्ट्रास्ट लुक देगा आपकी यू नो साड़ी को. तो डेफिनेटली आप पिंक ब्लाउज़ के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ बहुत प्यारा सा एक प्लाजो सेट है, प्लाजो सेट नहीं बोलेंगे, कुर्ता एंड पैंट सेट है जो कि मैंने मेरी मदर के लिए मंगाया है. तो मैं इसको ट्राई करके दिखा दूँगी आपको, बट ये इसकी फ़िटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा लूज़ था मुझे, बट मैं फिर भी आपको ट्राई ऑन में दिखा दूँगी कि कैसा लग रहा है. सो ये है ब्लैक कलर में, ये इस तरीके का है एंड जस्ट लुक एट इट, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है पहनने के बाद. आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा इसका जो बेस है वो ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर का है. इसके योग पार्ट पे इस तरीके की गोल्डन, ये फॉइल प्रिंट से पूरा यू नो डिज़ाइन किया गया है, फॉइल प्रिंट है ये सारा इन द मरून एंड गोल्डन कलर से यहाँ पे इसके पूरे योग पार्ट पे है. एंड ये पूरे सिमिलर इसके स्लीव्स पे भी है, 3/4 इसकी स्लीव्स हैं. ऑल्सो ये पूरे आगे फ्रंट में एंड बैक में इस तरीके के गोल्डन पैचेस दिए गए हैं जो कि अगेन एक फॉइल प्रिंट है, तो ये काफ़ी अच्छा फॉइल प्रिंट है, ये छूटेगा नहीं ऐसा उसमें लिखा था, बस आपको मशीन वॉश नहीं करना है, हैंड वॉश करना है, तो ये डेफिनेटली इंट्रैक्ट रहेगा इसी तरीके से प्रिंट. तो ये पूरा इस तरीके से है, नीचे इसके सेम ऐसा बॉर्डर दिया गया है, तो ये पूरा स्लीव्स पे योग पे एंड नीचे बॉर्डर में एक सा यू नो पूरा एक सा बॉर्डर दिया गया, प्रिंट दिया गया. पैंट है वो उसमें इस तरीके की, ये भी फॉइल प्रिंट है बट ये थोड़ी सी अलग डिज़ाइन है बूटीज़ का, सो ये इस तरीके की है. एंड नीचे अगेन पैंट के बॉर्डर में भी इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है फॉइल प्रिंट का जो कि उसके योग में. एंड दिस इज़ अगेन इन कॉटन, तो आप डेफिनेटली इसको गर्मियों में भी समर्स में भी स्टाइल कर सकते हैं. सो या आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी मेरे ट्राई ऑन सेक्शन में. तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डू यू लाइक माय वीडियोज़ और नॉट. ऑल्सो आप वहाँ पे मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस तरीके की और वीडियोज़ लेके आऊँ अपने चैनल पे.
एंड यहाँ पे एक रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज टोटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट लॉट टू मी। उसी के पास में एक बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जितने भी फ्यूचर में वीडियोज़ आने वाले हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुँच सकें एंड एक भी वीडियो मिस ना हो। सो दैट्स इट गाइज, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।